अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर सिंह और आज हम बात करेंगे वहाँ जली की टॉप 5 ड्रामों के बारे में। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो को स्टार्ट कर। ओए शारिक कहाँ है? तेरे पास ही हूँ बेबी। नंबर 5 पर है ऐदे वफा, जो कॉमेडी फैमिली लव ड्रामा है जिसकी स्टोरी चार दोस्तों के अराउंड घूमती है। इसके मेन लीड में है आद रजा, वहाज अली, उस्मान खालिद भट्ट, अहमद अली अकबर, अलीजे शाह और जारा नूर। ड्रामे का प्लॉट काफी न्यू था, जो चार दोस्तों की फ्रेंडशिप और रियल लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में बताता है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इस ड्रामे की IMDb रेटिंग है 4.5। और मुझे लगता है कि इस काम के लिए बेस्ट इंसान मलिक शाहजैन है। I'm good. How are you? नंबर 4 पर है फितूर ड्रामा, जो कि लव रोमांस पर बेस्ड है। ड्रामे के मेन लीड में हिबा बुखारी, वहाज अली, फैसल कुरैशी, किरण हक है। ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है हमजा और दिलनशीन पर, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर बदकिस्मती से तकदीर एक गैर मुतवक्का मोड़ लेती है जब हैदर एक खानदानी शादी में दिलनशीन का सामना करता है और फौरी तौर पर इससे मुतासिर हो जाता है। बाकी आगे की स्टोरी आप देख कर बताइएगा कि कैसी लगी। ड्रामे की IMDb रेटिंग 5.8 है। लगता है घर से थोड़ी बहुत इज्जत मिल गई। बहरी घूंगी, कोई भी लड़की मिलेगी कर लूंगा शादी। मैं तो कर लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 पर है इश्क जलेबी, जिसका प्लॉट एक कॉमेडी रोमांस ड्रामा पर मबनी है। इस ड्रामे की मेन कास्ट में मदीहा इमाम एज बेला, वहाज अली एज बासिम, कवि खान एज बूटा है। इसकी स्टोरी एक फैमिली बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके ऑनर मोहम्मद बूटा है, जो अपने दोनों बेटों को कारोबार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बैरून मुल्क अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बूटा साहब ने अपने कारोबार को बासिम को संभालने दे दिया है। बासिम एक खूबसूरत नौजवान है जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाब देखता है, और दूसरी तरफ बेला एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जो अपने वालदैन के इंतकाल के बाद अपने दादा के साथ रह रही है, और एक समझदार लड़की होने के नाते अपने कज़न बासिम के रवैये को नज़रअंदाज करती हैं, और दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। आगे इनको अपनी मोहब्बत का एहसास होता है या नहीं, इसके लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे की IMDb रेटिंग है 9.1। तुम कुछ भी कर सकती हो बेला सलाव। अच्छा, और वो जो पहले 15 लाख का नुकसान हो चुका है वो नहीं लूंगी मैं तुमसे। मुझे नहीं चाहिए, पकड़ो इसे। क्या करूं, तुम्हारे पैर पड़ूंगी। नहीं चाहिए तुम्हारा। माही बोलो अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को, तुम्हें अभी और इसी सेकंड तलाक है। नंबर 2 पर है मुझे प्यार हुआ था, जो खुद अपने टाइटल से बताता है कि ड्रामे का प्लॉट लव एंड रोमांस पर बेस्ड है। इसकी स्टार कास्ट में हानिया आमिर, वहाज अली, जावियर नोमान। इस ड्रामे की ट्रायंगल लव स्टोरी माहिर के अराउंड रिवॉल्व करती है। दोनों माहिर से मोहब्बत करते हैं। साद, जो माहिर का कज़न है, उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताने में नाकाम है, और फिर अरीब की एंट्री होती है माहिर की लाइफ में। अब माहिर को इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है, जिसके लिए आपको ये सीरियल देखना हो। इस ड्रामे की IMDb रेटिंग है 6.6। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो यहाँ ऐसे आके क्यों बैठ गई? मैंने तो किया है, पर मुझे तुम पे पूरा यकीन है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी और तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के जाऊंगी। नंबर 1 पर है 2023 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा तेरे बिन, जो एक एक्शन रोमांस ड्रामा है। इसके मेन लीड में वहाज अली, यमुना जैदी, सबीना फारूक, बुशरा अंसारी और बहुत से बड़े नाम जुड़े हैं। 2023 का साल वहाज के नाम पर है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो इस वक्त अपने करियर की बुलंदियों पर है। लोगों ने मुर्तसिम खान के करेक्टर को बहुत पसंद किया है और ये अब तक का सबसे बेहतरीन लिखा हुआ करेक्टर है। तेरे बिन में इन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज से लोगों के दिल जीत लिए हैं। इनकी आईज एक्सप्रेशन में ही इनकी कामयाबी है, जो एंगर, लव, डिप्रेशन सबको बयान करती है। फ्रॉम अ साइड एक्टर टू मैन लीड, वहाज कम्स अ लॉन्ग वे। और इस ड्रामे की IMDb रेटिंग है 7.7। छिन जाने का गम, तकलीफ कैसी होती है, कितनी होती है, सब एहसास है मुझे। इसलिए तुम्हारी हर बदतमीजी
बर्दाश्त कर लेता, सह लेता हूँ, मर दू ना, रो नहीं सकता, ना ही कह सकता हूँ, बस सह सकता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स भी ब्लॉकबस्टर हों। सो दोस्तों, ये थी वहाज अली के टॉप 5 ड्रामों की लिस्ट। तो आप भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है और कौन से ड्रामे में वहाज की एक्टिंग आपको पसंद आई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।